हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर काम करते हो तो आपको भली भांति मालूम होगा कि अगर आपके चैनल पर 3 बार स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाता है, वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अगर दोस्तों आपके चैनल पर 1-2 स्ट्राइक आया है तो उसको आप हटाना ही पड़ेगा। पहले के यूट्यूब क्या करते थे, अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक आते हैं तो कंपनी 90 दिन के अंदर में आपको चैनल का जो स्ट्राइक है हटा देती थी, लेकिन आपको ये खुद हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक नहीं हट रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक को कैसे हटाते हैं। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मोबाइल के डिस्प्ले पर, वहाँ दिखाता हूँ कि स्ट्राइक कैसे हटता है। तो लाइव प्रो के साथ दिखाना चाहता हूँ कि स्ट्राइक को कैसे हटाते हैं। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ मोबाइल के डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। वहाँ से मुझे गूगल क्रोम में सर्च करना पड़ेगा YT स्टूडियो लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। तो इसमें लॉगिन करता हूँ तो मेरा YouTube स्टूडियो लॉगिन हो जाता है। पर ध्यान रहे कि ये डेस्कटॉप मोड में ही होना चाहिए। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आप देखेंगे मेरे चैनल पर यहाँ पे 2 स्टॉक आ चुका है, जो कंपनी वाले ने इसको हटाया नहीं है। तो मैं इसको खुद हटा कर दिखाने वाला हूँ कि कैसे हटता है इसको। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले यूट्यूब आपका जो स्ट्राइक है 90 दिन अंदर में उसको हटा देती थी, लेकिन अब ये ऐसा नहीं कर रही, आपको खुद हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर ये स्ट्राइक का ऑप्शन यहाँ पर आता है। देखने में इसमें लिखा हुआ 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। अब किस कारण से स्ट्राइक आया है आप देख रहे हैं, इसमें सामने यहाँ पड़ा हुआ है। तो इसको मैं स्लाइड करता हूँ तो देखिए, स्लाइड करने पर ऊपर आता है कॉपीराइट स्कूल, उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर दोस्तों इस तरह इंटरफेस वहाँ आता है। तो इसमें YouTube के द्वारा भी वीडियो मिलता है देखने के लिए, समझने के लिए इसके बोल कैसे इसको हटाएं। सो तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे YouTube स्कूल कॉपीराइट स्कूल का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया है। 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब सही देना है। और ये जवाब हमें कहाँ से मिलेगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको मैं चलता हूँ गूगल में लेके वहाँ दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। तो दोस्तों, गूगल क्रोम में जाने के बाद हम सर्च करता हूँ कॉपीराइट स्कूल आंसर। देखिए, इसको ओपन करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ खुल जाता है। तो पहला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए, इसमें कॉपीराइट स्कूल का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सबका जवाब इसमें दिया गया है, ट्रू फॉल्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल का जवाब दिया हुआ है। अब जितना ऊपर कीजिएगा तब को सवाल मिलता रहेगा, उसका इसमें सही जवाब दिया रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी सवाल जवाब दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स और भी कुछ दिया हुआ है ऑप्शन ABC, यहाँ पर मैं ध्यान से देख लेता हूँ इसका सवाल का क्वेश्चन क्या है, उसका जवाब क्या है। और यही क्वेश्चन आंसर को मैं वहाँ पे टिक पे ट्रू फॉल्स जो भी ऑप्शन दिया उसमें मैं सबमिट कर देता हूँ। पर दोस्तों, आपको ध्यान रहे कि आपका जो इतना भी सवाल जवाब है सही होना चाहिए, ध्यान से इसको कॉलम को भरिएगा। तो दोस्तों, कॉलम को भरने के बाद स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक आंसर का, उस पर क्लिक करता हूँ मैं। तो क्लिक करने पर मालूम चलता है कि हमारे जितने भी सवाल का जवाब दिया हुआ सही है गलत, ये ऊपर सवाल सब सही है। मेरा 1 सवाल का जवाब गलत हो गया था, कोई बात नहीं है, मैं वापस चेक करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है रिटर्न टू स्ट्राइक। तो दोस्तों, रिटर्न टू स्ट्राइक पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा चैनल में जितना भी स्ट्राइक था यहाँ से हट गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ YT स्टूडियो में, आपको दिखाता हूँ कि मेरा चैनल पर जो स्ट्राइक है कि नहीं है वो हट गया है। इसके लिए मैं वापस लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाता हूँ YT स्टूडियो में, देखिए मेरा जो चैनल पर जो भी स्ट्राइक था वहाँ से हट गया है। तो आप लोग लाइव प्रूफ सारे देख लिए हैं कि स्ट्राइक को कैसे हटाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।